नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर वन और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र पांडे। हमारी इस खास पेशकश जनकारवा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश में सत्ता और सियासत दोनों के इम्तिहान सर पर हैं। विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये वो वक्त है जब जनता अपने अपने सियासतदानों का, नेताओं का, प्रतिनिधियों का रिपोर्ट कार्ड बना रही है। इसी दौर में हम भी मध्य प्रदेश के हर जिला मुख्यालय में पहुंच रहे हैं और जनकारवा का वो मंच दे रहे हैं जिसके जरिए जनता के मुद्दों को उठाया जा सके, जनता के सवालों के जवाब उनके सियासतदानों से लिए जा सकें। तो आज जनकारवा IBC 24 का फ्लैगशिप प्रोग्राम आज पहुंच गया है महाकौशल के मुख्यालय जबलपुर में, जो कि मध्य प्रदेश की न्यायधानी भी है और संस्कारधानी भी है। साल 2018 की अगर हम बात करते हैं तो महाकौशल से कांग्रेस को बड़ी बढ़त मिली थी। 38 सीटों वाला महाकौशल कांग्रेस के लिए सत्ता की चाबी साबित हुआ था। 38 में से 24 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी, एक सीट पर निर्दलीय को जीत मिली थी और 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमट कर रह गई थी, जबकि कभी महाकौशल उसका गढ़ 2013 के मुताबिक हुआ करता था। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी। हालांकि 2020 में विधायकों का दलबदल हुआ, उपचुनाव हुआ और बीजेपी फिर से प्रदेश की सत्ता में काबिज हो गई। लेकिन एक बार फिर 2023 के संग्राम में, सियासी संग्राम में महाकौशल सियासत की धुरी बना हुआ है। वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो सीएम फेस कमलनाथ है वो महाकौशल से आ रहे हैं और बीजेपी कतई नहीं चाहती कि महाकौशल में पुरानी गलतियों को दोहराया जाए। और उसकी भी लगातार यहाँ पर बड़े कार्यक्रम जारी हैं। गृहमंत्री अमित शाह भी महाकौशल के मंडला में ही एक जन आशीर्वाद यात्रा का आगाज करने जा रहे हैं। तो हम कहें कि एड़ी चोटी का जोर न सिर्फ कांग्रेस, न सिर्फ बीजेपी, बल्कि आम आदमी पार्टी भी महाकौशल पर लगा रही है। लिहाजा जनकारवा के इस खास कार्यक्रम में महाकौशल के मुख्यालय की सियासी मिजाज को परखने की हम कोशिश करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों से आग्रह करूंगा कि आप मेरे साथ लोकतंत्र को मजबूत बनाने की एक शपथ लें। आपसे आग्रह करूंगा कि कृपया आप अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और अपना दायां हाथ आगे रखकर मेरे साथ ये शपथ दोहराएं। हम भारत के लोग ये शपथ लेते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में हम वोट जरूर डालेंगे। हम ये भी शपथ लेते हैं कि जाति, क्षेत्र, धर्म की भावना से ऊपर उठकर योग्य उम्मीदवार का चुनाव करेंगे और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी भागीदारी देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख पा रहे हैं कि IBC 24 जनकारवा के इस मंच पर बड़ी तादाद में आपको जागरूक नागरिक जबलपुर शहर के मिलेंगे। बड़ी तादाद में ये लोग जो हैं वो अलग अलग वर्गों से आते हैं। इनमें कुछ लोग सियासी हैं लेकिन बहुत से लोग गैर राजनीतिक हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। तो हम चूंकि ये जनकारवा है और हमने कहा कि हम जनता की आवाज़ को उठाने पर ज़्यादा जोर रखते हैं और उनके जवाब जो होंगे ज़रूर सियासतदानों से लिए जाएंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि पहले गैर राजनीतिक लोगों से बातचीत कर पाएँ। और मैं देख पा रहा हूँ कि के अग्रवाल हैं जो कि भारत कृषक समाज के आप अध्यक्ष हैं, गैर राजनीतिक संगठन है। हमने देखा कि 18 में सियासत की दूरी किसान बना था, कमोबेश वही स्थिति 23 में दिख रही है। किसान अपने सियासतदानों से या प्रतिनिधियों से क्या चाहता है? किसानों की सदैव ये मांग रही है कि किसान को प्राथमिकता दी जाए। 75% आबादी का हमारा तबका आज भी उपेक्षित है। चाहे कोई भी सरकारें रही हों, हम किसान कभी भी उनकी प्राथमिकता में नहीं रहे हैं। जो भी सियासतदान पार्टियां हैं किसानों को कभी भी अपने प्रथम अंग में नहीं रख पाई हैं। आज भी ग्रामीण दोयम दर्जे का जो है वो नागरिक माना जाता है। हमारे यहाँ पर लाइट 24 घंटे मिलती है, देहात में केवल 12 घंटे मिलती है और रात में हमारे जो लोग हैं वो भी आज मच्छरों में सोने को मजबूर हैं। क्या वहाँ पर वृद्ध नहीं हैं? क्या वहाँ बीमार नहीं हैं? क्या वहाँ बच्चे पढ़ते नहीं हैं? तो इस तरह का जो दोयम दर्जा है ये आज भी हम भुगत रहे हैं। तो किसानों के मुद्दे पर खुलकर बातचीत रखी जाए तो हम सवाल जवाब जो हैं
तीनों पार्टी के लोग हैं यहाँ पर, उनसे पूछेंगे, सत्ता में बीजेपी है उनसे भी सवाल होगा, लेकिन आपसे मैं जानना चाहता हूँ एक बार फिर, कांग्रेस ने भी कहा कि कृषि न्याय योजना लाई जाएगी, बीजेपी की ओर से भी किसानों के कल्याण के लिए बहुत सी योजनाएं लाई जा रही हैं, चुनावी साल है, फ्रीबीज पॉलिटिक्स भी हो रही है, लेकिन किसान क्या सोच रहा है? किसान ये सोच रहा है, चूंकि मैं कृषि वैज्ञानिक हूँ तो मैं सभी जो दल बैठे हैं हम उसको दल बोलते हैं, क्योंकि यदि किसान है तो देश है, भारत कृषि प्रधान देश है, उसकी जो मानसून आधारित व्यवस्था है, यदि कृषि की अनदेखी होगी, कृषि अनुसंधान की अनदेखी होगी, तो आपका अर्थतंत्र बिल्कुल ब्लर जाएगा, खत्म हो जाएगा। और महाकौशल की अगर बात करें तो महाकौशल में कोई इंडस्ट्री नहीं है, एग्रीकल्चर बेस है, मध्य प्रदेश भी एग्रीकल्चर बेस है। और आपको अगर रियल टाइम डेटा की मैं बात बताऊं, सभी के पास सोशल मीडिया है, सब मीडिया है, विदेशों में इस समय खाने का अकाल पड़ा है और हिंदुस्तान में खाना भरपूर है, लेकिन एक कब है जब किसान को सुविधाएं मिलेंगी? हमारी पॉपुलेशन 140 करोड़ है, आप बारूद के ढेर पे बैठे हैं, किसान की अगर अनदेखी करेंगे, कृषि अनुसंधान अगर आप अनदेखी करेंगे तो कोई भी पार्टी बच नहीं पाएगी। जब जनता भूखी रहेगी तो भूखे भजन ना होए गोपाला। इसलिए सभी पार्टियों से है कि ये अपनी राजनीति रखें, लेकिन मेरा अनुरोध है जैसे चुनाव आयोग है ऐसे किसान आयोग बने, और जैसे किसान चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पे सभी पार्टियां चलती हैं, ऐसी किसान आयोग बने उसके दिशा निर्देश पे सभी पार्टियां चलें और किसान का विकास करें। तो किसानों के मुद्दे पर किसान संगठन से जुड़े हुए गैर राजनीतिक लोग मुखर हैं और वो कहते हैं कि हालात जो हैं दावों के मुताबिक उतने ठीक नहीं है। मेरे साथ तमाम खास मेहमान बीजेपी के पैनल से जुड़े हुए, हम चाहेंगे कि जवाब लेंगे। शशिकांत शुक्ला जी हैं, सीनियर लीडर हैं आप बीजेपी के, आपने सुना, क्या कहेंगे आप? देखिए, किसानों की समस्या हमारी समस्या है। पहली बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर यदि कोई मुख्यमंत्री है तो किसान का पुत्र मुख्यमंत्री बना है। हमने किसानों के कल्याण के लिए सतत प्रयास किया है, 0% पर ब्याज देने का काम, 7.5 लाख हेक्टर सिंचाई थी 20 वर्ष पहले, अब 45 लाख हेक्टर सिंचाई है, 24 घंटे किसानों को बिजली दी जा रही है, पहले किसानों को बिजली नहीं मिलती थी। किसानों का समर्थन मूल्य गेहूं और धान का 2,2200 रुपए के आसपास कर दिया गया है, ये पहले समर्थन मूल्य क्या था इसको भली भांति हमारा किसान बंधु भी जानता है। किसान कल्याण के लिए सरकार काम कर रही है, किसान कल्याण के लिए काम कर रही है, तफसील से और बातचीत करेंगे। तो देखिए, किसान नेताओं से हमने बातचीत की जो गैर राजनीतिक थे, बीजेपी से बात की, तो चलिए कांग्रेस से भी हम बात कर लेते हैं। अभिषेक ध्यानी जी, आप क्या कहेंगे, सुन रहे थे? आंकड़ों की बात करता हूँ मैं, सीधे सीधे पॉइंट पे आता हूँ। 3,11,000 करोड़ के कर्ज में डूबी प्रदेश सरकार, 18,000 करोड़ इस टाइम पे ले लिया लोन, 16,000 करोड़ प्रति व्यक्ति के ब्याज दर से चुकाई, प्रति व्यक्ति 50,000 ऊपर से कर्ज में डूबा। आप विकास की बात करते हैं, सारे इकोनॉमी, अरे नहीं 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 नहीं, ये सारे वित्त मंत्री के फिगर हैं। आपके वित्त मंत्री ने फरवरी 2022 में ये स्टेटमेंट दिया है, आप झूठ नहीं कह सकते। एक दूसरा, आप जबलपुर के साथ अन्याय कब तक करोगे? सारे इकोनॉमिक कॉरिडोर आपने इंदौर भोपाल को दे दिए, जबलपुर को क्या दिया आपने? जबलपुर के पास क्या इंडस्ट्री है? ये अन्याय खत्म होने वाला है। बेशक जवाब हम लेंगे, लेकिन चाहेंगे कि पहले आम आदमी पार्टी से भी हम बात कर लें, चूंकि अब बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी से भी लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। पल्ला जी, आप क्या कहेंगे किसानों के मुद्दे? आप भी ग्रामीण परिवेश से आते हैं। मैं सिर्फ एक ग्रामीण परिवेश से नहीं आता हूँ, बल्कि मेरी पैतृक जो धंधा है, या मुझे आप कहना चाहिए मेरी जड़ जो है किसानी, मैं खुद एक किसान हूँ। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आज आपने इस स्थान पर इतने लोगों के बीच में यदि पहला मुद्दा रखा है तो किसानों का मुद्दा रखा है, जिसकी लगातार मांग उठ रही है। दूसरी बात, जैसे कि माननीय के अग्रवाल जी ने जो बात उठाई है, यथोचित है। भारत देश जो है 7 प्रकार की जलवायु और 13 प्रकार की मृदा का देश है, जिसमें किसानों की MSP को डिसाइड करने का अधिकार एक ऐसे व्यक्ति को दिया हुआ है जो हमारे कृषि मंत्री केंद्रीय कहलाते हैं, जो खुद एक चंबल संभाग से आते हैं, जहां की मुख्य फसल सिर्फ एक है, वो है मस्टर्ड, जिसकी कुल लागत 5,000 रुपए एकड़ होती है, और जितना उसका उत्पादन होता है। प्रदेश की बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी किस वादे के साथ चुनाव मैदान में? आम आदमी पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये हमारी प्राथमिकता है। साथ ही जो MSP की लंबे समय से मांग उठ रही है, हमने अपने किसानों के बीच में ये मांग भी रखी है और ये बात भी रखी है कि जनता द्वारा आधारित, हम जनता से आकलन और सर्वे करवाकर जनता द्वारा आधारित जो MSP होगा उस पर उचित मूल्य निर्धारण
किसानों के लिए किया जाएगा, साथ ही जो साइलोस चालू करके और हमारे वेयर हाउसेस खाली किए गए हैं, मजदूर और पल्लेदारों को बेघर किया गया है, बेरोजगार किया गया है, उनको पुनर्स्थापना की जाएगी, फिर से उनके रोजगारों से लगाया जाए। तो कांग्रेस बीजेपी के अलावा आम आदमी पार्टी भी बड़े बड़े वादे लेकर किसानों के हित में चुनाव मैदान में है। किसान क्या सोच रहा है, चुप्पी फिलहाल उसने साधी हुई है और सोच समझ के अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने के मूड में है। लेकिन हम चूंकि इस मंच के जरिए जनकारवा के जरिए एक अहम विषय आया है और हम चाहते हैं कि जनता से जुड़ा हुआ या जबलपुर से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा छूटने ना पाए, लिहाजा हम बीजेपी से एक सवाल जरूर लेना चाहेंगे, क्योंकि अभी कांग्रेस के पैनल की ओर से यह कहा गया था कि अगर औद्योगिक विकास की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को डेवलप करने की बात होती है, तो कहीं ना कहीं भोपाल इंदौर जो है वो बाजी मार लेता है, पर ये 5 सालों में लगभग कमोबेश यही होने की बात है। औद्योगिक विकास के मोर्चे पर कहाँ खड़े हैं सर आप? निश्चित रूप से बहुत अच्छा सवाल है आपका। औद्योगिक विकास में मध्य प्रदेश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी बाहर से उद्योगपतियों को लेकर आ रहे हैं और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि इस समय जब से फ्लाइट की कनेक्टिविटी बढ़ी है, बड़े बड़े उद्योगपति भी हमारे संस्कारधानी में आने लगे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जन कल्याण, विकास, समग्र विकास, विकसित मध्य प्रदेश हो, इसको लेके चुनाव में जाने वाली है। नगर निगम अध्यक्ष है रिकुंज विज जी, वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी विकास के एजेंडे पर ही लड़ रही है और चुनाव में भी जा रही है। लेकिन कमलेश अग्रवाल जी, आप क्या कहेंगे, वरिष्ठ भाजपा नेता और नेता प्रतिपक्ष भारतीय? पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो हमारे कांग्रेस के कुछ साथी हैं वो जय जय कमलनाथ बोल रहे हैं। अरे क्या कमलनाथ भगवान हो गए हैं क्या? हमने आज तक मोदी जी को जय जय मोदी जी नहीं बोले। आज आप बताइए, जब आप लोग भी तो हर हर मोदी का नारा लगा देते हैं ना, मोदी करते हैं मगर जय जय कमलनाथ कभी नहीं किए। यदि आप शहर विकास की बात करेंगे तो शहर में जितना विकास हुआ आपने देखो, एयरपोर्ट का विकास हुआ, हमारे जबलपुर में माननीय राकेश सिंह जी ने इतनी ट्रेनें चालू कर दिए, आईटी पार्क बन गए, लगातार शहर का विकास हो रहा है, मगर इन लोगों के कार्यकाल में आज तक कोई काम नहीं हुआ। अभी आप के अग्रवाल जी बोल रहे थे कि शहर में 24 घंटे बिजली रहती है और गांव में 12 घंटे, और जब माननीय मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थी तो जबलपुर में क्या पूरे मध्य प्रदेश में लाइट नहीं आती थी। अब हम क्या बोले इसको, जब लाइट भी आने लगी, शहर का विकास होने लगा, तो ये सब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया। तो जो विकास हुआ है वो बीजेपी के द्वारा किया गया है, ऐसा कमलेश अग्रवाल यहाँ पर बोल रहे हैं। तो चलिए कुछ सियासी लोगों से बातचीत की है, गैर सियासी लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। हम चाहेंगे कि कुछ गैर राजनीतिक लोगों से भी हम बातचीत करें। आपसे जानना चाहेंगे, एक आम नागरिक किस तरह से अभी चुनाव में चुकी जाना है, लोक लुभावने वादे लेकर कांग्रेस बीजेपी आम आदमी पार्टी अन्य दल भी चुनाव मैदान में, जनता क्या सोच रही है जबलपुर की? जनता ये सोच रही है कि सबसे पहले जो जनता की ये समस्याएं हैं, सबसे पहले तो महंगाई पर कंट्रोल होना चाहिए। और मैं ये देख रहा हूँ सबसे पहले महंगाई पर इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, चूँकि मैं एक सीनियर सिटीजन का गैर राजनीतिक मेंबर हूँ, उस नाते मैं इधर पे आया हूँ, तो पार्टी जो भी हो हमारी महंगाई पर कंट्रोल हो। और मैं अभी देख रहा हूँ हमारी महिलाओं के लिए भी सुरक्षा पूरी नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि आबकारी विभाग से भी मैं कहना चाहता हूँ, जगह जगह मोहल्ले मोहल्ले पर शराब की दुकानें खुली हुई हैं और हमारी वहाँ माताएं मैदा नहीं है, वो सुरक्षित नहीं है। आज ठीक है हमारी सरकार सब कुछ कर रही है, लेकिन जैसे लाडली लक्ष्मी योजना है और जो भी बहनों के लिए योजना जो कर रही हैं, उसके साथ साथ हम लड़कों के लिए भी कुछ सोचें और हम लोगों के लिए, क्योंकि देखिए। और मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए लैंगिक आधार पर। देखिए सबकी और मैं आपको बता दूं, हमारे भांजे भांजियों के लिए तो सब कुछ मतलब मामा जी कर रहे हैं, कुछ लड़कों के लिए भी सोचें, और क्योंकि हमारे बहुत हो, और जैसे जल्दी लड़कों के लिए भी सोचें, देखिए डिस्क्रिमिनेशन ना हो। चलिए आपसे बात कर लेता हूं संक्षेप में, अहम मुद्दा है। हम लोग सीनियर सिटीजन जो हैं, हम लोग अपने ये CGS की जो हमारे की डिस्पेंसरियाँ हैं, हमने अपने लोकल विधायकों से भी निवेदन किया है, मध्य प्रदेश सरकार से भी निवेदन किया है कि हमारे जबलपुर में जितनी भी CGS की डिस्पेंसरियाँ हैं 6, उसमें डॉक्टरों की कमी है।
डॉक्टरों की कमी है, 80-90 हज़ार बेनिफिशरी हैं हमारे यहाँ पर, तो उनके भी डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई जाए। हमारे मध्य प्रदेश के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जो भी सरकार आए हमारे ऊपर केंद्र तक भेजे, जिसमें क्योंकि बुजुर्गों को सिर्फ स्वस्थ रहना है, वही अपेक्षा हम रखते। बहुत सी जनकारवा के इस मंच के जरिए बड़ी मांगे भी रखी गई हैं, और एक तरह से सरकार को या सियासी दलों को आईना दिखाने की भी कोशिश की गई है। तो चलिए सीनियर सिटीजन्स की जहां तक बातचीत है, उर्मलिया जी मुझे दिख रहे हैं पेंशनर्स एसोसिएशन के, क्या कहेंगे सर? क्या भैया कमलेश नाराज तो नहीं हो गए? तो बोलिए बोलिए। पेंशनर्स एसोसिएशन, हमने देखा कि हर बार चुनाव का जब वक्त आता है तो सरकार या जो सत्ता पे बैठी पार्टी है उसकी नाक में दम कर देते हैं आप लोग। अभी चुनाव होना है, क्या कहेंगे आप लोग, क्या मांगे? देखिए वास्तविकता तो हमारे साथ यह है कि मैं 2005 से रिटायर होके और अब इस वर्ग के साथ जुड़ के जो मैं संघर्ष में पूरी सेवाएं दे रहा हूं, तो मैं एक बात समझ पाया हूं, सरकारों को वरिष्ठ नागरिकों की आवश्यकता नहीं है। गंभीर बात कह रहे हैं। नहीं है, अगर होती तो हमारी प्रत्येक बिंदु पर माननीय मुख्यमंत्री जो संवेदनशील है मध्य प्रदेश की, वो हमसे बात करती। हमने बहुत प्रयास किया है, माननीय अशोक रूहानी जी ने भी हमारी मदद करी, कांग्रेस के भी लोगों ने हमारी मदद करी, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं एक बात सरकार को बता देना चाहता हूं, हमारी मध्य प्रदेश पे 5 लाख पेंशनर्स हैं, x10 50 लाख। हम 50 लाख 30 सितंबर के बाद तय करेंगे कि हमें कहां जाना है। ताल ताल यानी चेतावनी भी दे रहे हैं। और चूंकि पेंशनर्स हैं, वो लगातार मांग करते आए हैं केंद्र के समान और कर्मचारियों के समान डीए दिया जाना चाहिए। आप इनको प्रेशर ग्रुप भी कई बार कह दिया जाता है, लेकिन उनकी अपनी वेदनाएं, उनकी अपनी मांगे हैं और उनका अपना हक है कि वो शासन के सामने अपनी बातें रखें और शासन उस पर विचार करें। आप कह रहे थे जयराम जी, आप क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि प्राथमिकता की में नहीं है पेंशनर या बुजुर्ग नहीं है, जरूरत नहीं है सरकारों को। अभी जो 2007 वालों को 4% और 2007 के पहले वालों को 9% दिया और 28% महंगाई दर का भत्ता भी दिया है, इनको जानकारी अभी दिया, दो दिन पहले आया है, इस महीने क्रेडिट हुआ है इनके सबके अकाउंट में, पेंशनर्स का हुआ। पूरी खाली घोषणाएं नहीं, सरकार ने शिवराज जी ने मंच से दिया है, करके दिया है। 5% डीए जो है बढ़ाने का ऐलान किया गया। तो चलिए कुछ और लोगों से बात कर। सर मैं गैर राजनीतिक हूँ, किसान सेवा संगठन से हूँ। जो अभी हमारे सम्माननीय लोगों ने बताया है कि लाइट 24 घंटे और 14 घंटे है, साफ लाइट आज से किसानों को 7 घंटे की घोषणा कर दी गई है। सर किसानों को सर आज से 7 घंटे की लाइट घोषणा कर दी गई। ठीक है, बातचीत करते हैं। देखिए मैं चाहूंगा कि कुछ लोगों से बातचीत करें, बताइए। बेशक मैं पीछे जाना चाहूंगा और यहाँ आम लोगों से ही बात करने की कोशिश करूंगा। बोलिए आप क्या कहेंगे, एक महिला के बतौर पे आप क्या कहेंगे? सर ये बोलना चाहते हैं कि हम लोगों की लाडली बहनों को तो आप पैसा दे रहे हैं, लेकिन जो विधवा पेंशन है उसको आप भूल चुके हैं। जो 600 रुपए मिलना था वो भी आप नहीं दे रहे हैं, ऐसा क्यों? हम विधवा क्या ऐसे ही आए हैं क्या? आप लोग लाडली बहनों को खुश करेंगे और यहाँ पर विधवाओं को भूल चुके हैं। क्यों भूल चुके हैं? एक मिनट मैं खुद 3 साल से फॉर्म भर रही हूँ विधवा पेंशन का, मुझे विधवा पेंशन हमेशा रिजेक्ट होके आ रही, क्यों आ रही है? इनसे सवाल पूछा जाए। मेरे 2 बच्चे हैं, उनको क्यों नहीं दिया जा रहा? हमारा विधायक नहीं है इसलिए क्यों नहीं दिया जा रहा हमें बच्चों की? कोविड में मेरा हस्बैंड गया, मुझे बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए क्यों नहीं दिया जा रहा है? नहीं, ये झूठे हैं। मैं जवाब ले लेता हूँ। पहले कुछ लोगों से बातचीत कर लूँ। बोलिए क्या कहते हैं? आज शिवराज सिंह जो 450 में सिलेंडर की घोषणा कर रहे हैं, 2 साल पहले जब कोरोना काल था, जब उनकी लाडली बहन संकट में थी, जब 450 था सिलेंडर, आज जब सरकार खतरे में है तो 450 था सिलेंडर, जो तहा दी नया संगत बात है। जब बात करते हैं जबलपुर से बेतास थी, 4 विधायक थे इनके जबलपुर में,
जबलपुर में चार चार विधायक देते, क्या जी एक राज्य मिनिस्टर नहीं बना सकते? ठीक है, बेशक बेशक अयोध्या जी, मैं आपसे बातचीत करना चाहूंगा। एक सियासी उपेक्षा की बात हुई है हाल ही में कैबिनेट का विस्तार हुआ है, जबलपुर को बहुत सी उम्मीदें थी, आप क्या कहना चाहेंगे, फिर मैं बीजेपी से बात करता हूँ। देखिए, अभी हाल ही में 7 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने ग्लोबल स्किल पार्क की घोषणा की थी भोपाल में, कि एक भोपाल में बनेगा, एक जबलपुर में बनेगा, हाथ की लाइन शून्य है। दूसरी बात, नर्मदा रिवर फ्रंट 5 बार DPR तैयार हो चुका, हाथ की लाइन शून्य है। मध्य प्रदेश में जबलपुर महाकौशल का डिविजनल हेडक्वार्टर है, एक मंत्री नहीं है जबलपुर से, महाकौशल में जबलपुर डिविजनल हेडक्वार्टर के बाद महाकौशल विकास प्राधिकरण भी है। आज 4.5 साल हो गए, अध्यक्ष नहीं है महाकौशल विकास प्राधिकरण, जबलपुर विकास प्राधिकरण आज 4.5 साल से खालिस्तान पड़ा हुआ है। अभी हाल ही में वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 25-25 करोड़ स्थानीय निकायों को दिए, जिसमें उज्जैन, इंदौर, अशोकनगर, ये सारी जगहों पर उन्होंने 25-25 करोड़ दिए। जबलपुर में एक भी तालाब, एक भी नदी ऐसी नहीं है जिसमें इन्होंने प्रोत्साहन के लिए यहाँ पर स्थितियां बनाई हो। मेरे पास बयान है माननीय मुख्यमंत्री जी का, इन्होंने 4th महीने में अप्रैल में ये कहा कि हमने जबलपुर को लेके 2,41,000 करोड़ का सम्मिट जो किया है, उसमें इन्वेस्टमेंट के प्लान है। आज जबलपुर का युवा बेरोजगार क्यों है? बेशक, मैं सवाल, ये गंभीर सवाल जनकारवा के इस मंच से उठाए गए, तो देखिए जाहिर सी बात है अब बीजेपी से हमको जवाब जरूर लेना होगा। और चलिए आपसे ही मैं बात करता हूँ प्रशांत जी। जी मैं बिल्कुल आप पर आऊंगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि आखिर आप लोग इतनी उपेक्षा, आप उपेक्षा जबलपुर की सियासी उपेक्षा क्यों है? कैबिनेट विस्तार में बड़ी उम्मीदें थी, वो नहीं हुआ, स्किल पार्क नहीं मिला। देखिए, आज इस शहर में 4,200 करोड़ रुपए की रिंग रोड बन रही है। आज से 20 साल पहले जब इनके कांग्रेस के महापौर होते थे, इनसे पूछिए, 1 करोड़ रुपए मात्र दिग्विजय सिंह जी ने दिया था भोपाल में, उसके लिए उन्होंने पार्टी करी थी। कभी इनसे पूछिए, 4,000 करोड़ के काम आज तक हुए हैं जबलपुर में, इतना बड़ा फ्लाईओवर बन रहा है। ये कैबिनेट विस्तार से कम अज कम जबलपुर को उम्मीद थी, लेकिन विस्तार तो हुआ, लेकिन जबलपुर मायूस नहीं हुआ। यहाँ जो भी मंत्री बने सब जबलपुर का ध्यान रख रहे हैं, मगर मैं एक बात बता देना चाहूँ, जब ये विकास की बात करते हैं, तो जब आज से 93 के पहले जब हम खवासा बॉर्डर से जबलपुर के लिए निकलते थे, तो अब जब हम बस में बैठते थे तो ये गाना चलता था, मेरा मन डोले मेरा तन डोले, हमारा पूरा शरीर हिल जाता था। मगर आज शहर में इतना विकास हो गया है, पूरे हाईवे का विकास हो गया है, मगर इनको समझ में नहीं आ रहा। उपेक्षा की बात कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि जबलपुर का युवा बेरोजगार है। उसमें क्या है, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं संज्ञान में लेकर जबलपुर की चिंता कर रहे हैं। 15 महीने की सरकार में पूरा भोपाल में दलालों का अड्डा, शराबखोरों का अड्डा, शराब नीति पर घोटाले, सिर्फ इतनी इतनी दलाली की 15 महीने सरकार, सिंधिया जी भाग गए। सीधा एक जवाब रिंकू जी, एक सवाल सीधा, वो कह रहे हैं कि जबलपुर का युवा जो है वो बेरोजगार है, और उद्योगों को बढ़ाने के लिए आप लोगों ने बहुत कुछ। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, सभी कांग्रेसी मित्रों से, 2018 के चुनाव में, 2018 के चुनाव में इन्होंने बोला था बेरोजगारी भत्ता देंगे, एक बेरोजगार बता दे जिसको 8,000 का भत्ता दिया। बेरोजगारों को भत्ता देने के लिए, बेरोजगारों को भत्ता देने के लिए क्या किया भैया? युवा बेरोजगार है, स्वास्थ्य शिक्षा को लिए युवा तरफ, सारी बातें वही करोगे तो यहाँ क्या पूछोगे? आज की जो रोड है बनी है, सरकार 500 करोड़ की रोड बनाती है और 5,000 करोड़ रुपए टोल टैक्स लेती है। कोरोना काल में दस्तावेज के नाम से सालों राशन कार्ड बंद रहे महिलाओं के। और मैं आपको बता दूं, तो पंकज जी से भी पूछ लेते हैं, आप बताइए, वो कह रहे हैं कि विकास जो है उन्होंने किया, कोई विकास नहीं है, भारतीय जनता पार्टी झूठे वादे और खोखले विकास की वाली पार्टी है। और मेरे भाई साहब एक अभी बोल रहे थे
मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि उनके पिताजी 20 साल पहले उनको कितना पैसा देते थे जो वो बात कर रहे हैं। मैं चाहूंगा देखिए शासन में आज क्या किया मुख्यमंत्री ने, लाडली बहना बहना बोलते बहना का नाम लेते हैं, आज क्या किया महिलाओं के लिए, मणिपुर में लीजिए मणिपुर में। हम चाहेंगे एक मिनट संक्षेप एक मिनट भैया सब बैठ जाओ बोलिए आपकी बात रखिए। हम अपनी बात रख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले हमारी बात सुन नहीं रहे और हमारे वरिष्ठ लोगों से एक एक बात सुनो उसकी बात करो। जबलपुर से दो मंत्री थे, यहाँ चार विधायक होने के बाद भी महाकौशल से पूरे महाकौशल से एक भी इनका कोई मंत्री नहीं बनाया भैया। 18 साल से शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश का बंटा धार कर रखा है, युवा बेरोजगार है, बेहतर स्वास्थ्य शिक्षा नहीं है, पटवारी भर्ती पटवारी परीक्षा में घोटाला है, व्यापम घोटाला है, स्वास्थ्य विभाग में घोटाला है और राजीव गांधी आवासीय योजना बंद करके लाडली लक्ष्मी योजना चालू की गई है। आइए भारतीय जनता पार्टी धरातल पर हम सभी विषयों पर मैं चाहूंगा सभी विषयों पर बातचीत करेंगे और इस जनकारवा के जरिए हम जनता के मुद्दों पर अलग अलग वर्गों के मुद्दे पर और खास तौर पर जबलपुर के मुद्दों पर बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और सियासी मिजाज भी जबलपुर का परखने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए कुछ और लोगों से हम बात करेंगे और हम चाहेंगे कि महिलाओं के संबंध में हम जरूर बात कर लें, कर्मचारियों और युवाओं के संबंध में हम बातचीत कर लें। तो पहले महिलाओं से संबंध में मैं सुन रहा था कि जब कांग्रेस की ओर से कुछ महिलाएं बोल रही थी तो आप लोग बड़ा ऐतराज जता रहे थे, क्या कहेंगे संक्षेप में? महिलाओं की जो बात हो रही थी कि अभी बोला जा रहा था कि महिलाएं सुरक्षित नहीं, बताइए सबको 50% महिलाएं को स्थान मिल रहा है, कहाँ सुरक्षित नहीं है। रही बात योजनाओं की, हर महिलाओं को हमारी सरकार में जितनी योजना है चाहे लाडली लक्ष्मी हो चाहे लाडली बहन, अरे चुप रहो तुम जैसा बोलिए आप भी बोलिए, पहले सुनो सच सुनना सीखो सच सुनो पहले सुनो फिर बात। इतनी योजनाएं हैं, आज आवास योजना देख लो हर लोग को मिला, आज जो महिला यहाँ बोल रही है सबसे ज्यादा योजना का लाभ इन्हीं लोग ने उठाया है। ठीक है तो अब महिलाओं के बाद कुछ युवाओं से भी हम बातचीत करेंगे क्योंकि महिलाओं के बिल्कुल बताइए आप क्या कहना चाहेंगे। भारत युवाओं का देश है और दोनों पार्टियों का रहता है कि हम युवाओं को मौका देंगे, लेकिन वास्तविकता में प्रधानमंत्री बोलते हैं कि युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित कराएंगे, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस दोनों युवाओं को लुभाने का काम करते हैं, लेकिन असल में युवाओं को आपकी पार्टी में भागीदारी नहीं चाहिए, युवाओं को आपकी टिकट नहीं चाहिए। लेकिन जो छात्र संघ है, छात्र संघ चुनाव राजनीति की प्रथम पाठशाला, छात्र संघ चुनाव बहाल करना चाहिए। दूसरी चीज आज आप देखिए शिक्षा जगत में पूर्ण रूप से प्रदेश सरकार विफल है, जिस प्रकार से 3 साल से प्रदेश के लाखों नर्सिंग पैरामेडिकल स्टूडेंट्स की परीक्षाएं नहीं हो रही है, तो इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार प्रदेश की सरकार है और ये जो सरकार है लाडली बहना योजना लाती है महिलाओं को अपनी तरफ लुभाने के लिए फ्री बीज के नाम पर, लेकिन असल में जो बहने सिस्टर्स नर्सेस उनकी 3 साल से परीक्षाएं नहीं हो रही है तो वो लामबंद हो गई है, उनके साथ संपूर्ण प्रदेश के छात्र खड़े हैं, जिम्मेदार लोग खड़े हैं और आने वाले समय में अगर प्रदेश सरकार हारती है तो छात्रों के कारण हारेगी जो उनकी पॉलिसीज थी। छात्रों के सवालों के जवाब भी लेंगे, कर्मचारी क्या सोच रहे हैं? मैं ग्राम रोजगार सहायक महासंघ का प्रदेश महासचिव हूँ और मामा जी हम लोग 23,000 ग्राम पंचायतों में काम करते हैं और सरकार की चाहे केंद्र सरकार हो राज्य सरकार सभी की हम लोग काम करते हैं, लेकिन माननीय मामा जी हम लोगों के लिए घोषणाएं बस कर देते हैं लेकिन घोषणाएं पूरी नहीं करते हैं। घोषणाएं नहीं, आप एक मैं जिला अध्यक्ष श्री प्रमोद जैन जबलपुर कांग्रेस आई कांग्रेस आई मैं विकलांग आदमी बोल रहा हूँ, जो सरकार ने किसी को भी रोजगार नहीं दिया, जब विकलांग व्यक्तियों का बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हम लोग। ठीक है, मैं जवाब सिलसिलेवार तरीके से लूंगा। हमारा है नगर के महापौर जी, एक मिनट महापौर जी कहाँ है जिन्होंने शहर के लिए उनको महापौर चुना गया रहा, वो सिर्फ एक कैंट विधानसभा में सीमित हो गए हैं, इसका जवाब हमें कांग्रेस के जो जिम्मेदार बैठे उनसे चाहिए। पहली उनसे जवाब लेंगे। दूसरा घोषणाएं कर देते हैं, मैं चाहूंगा हम कर्मचारियों के बारे में भी सोचें, कर्मचारियों के बारे में सोचें, युवाओं के बारे में सोचें। तो देखिए कांग्रेस से एक बार आपने पूछा कि महाकौशल को मंत्री नहीं मिला, बड़ा दुर्भाग्य है कि इतने नकारा विधायक भाजपा के थे कि किसी को मंत्री नहीं बनाया,
कांग्रेस सरकार में महाकौशल को मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष दोनों मंत्री मिले। और जहां तक बात कर रहे हो लाडली बहना की, 50% महिलाएं इस शहर में फार्म के लिए ढूंढ रही है, मामा अब तो मेरा फार्म भर दो और सुनो तो मेरी बात। देखिए जनकारवा, जनकारवा के इस मंच पर बड़ी बेसब्री से इंतजार जनता भी कर रही थी कि जबलपुर के प्रथम नागरिक आ जाएं। तो महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने IBC 24 के जनकारवा को ज्वाइन किया है। तो सर हम अपने आखिरी पड़ाव की ओर है, चुनावी समर है, महाकौशल मुख्यालय है, धुरी बना हुआ है, किस जनादेश की उम्मीद आप लोग कर रहे हैं? और दूसरा, बीजेपी की ओर से सवाल भी पूछा जा रहा था कि रिपोर्ट कार्ड आपका भी बनाया जा रहा है। बड़ा स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे साथी बैठे हैं वो जब उनसे अकेले में बात करो तो क्या कहते हैं आपको बता दूं। यार बात तो आप लोग सही कह रहे हो, 150 से ऊपर सीटें कांग्रेस पार्टी की आ रही हैं मध्य प्रदेश में। बदलाव निश्चित तौर पे है। देखिए एक सामान्य प्रक्रिया है जो हमारी एक हर मात्र शक्ति देश की जानती है, रोटी अगर समय से पलटी ना जाए तो जल जाती है। अब रोटी पलटने का समय आ गया है और रोटी निश्चित तौर पे पलटेगी। अगर रोटी नहीं पलटी जाएगी तो खाने योग्य नहीं रह जाएगी। एक तरफ रोटी अगर ज्यादा देर रखी रहती है तो वो जल जाती है और खाने के योग्य नहीं होती। कांग्रेस का बड़ा मुद्दा क्या है? बहुत सारे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, हमारे युवा परेशान है, हमारे लोग आज मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। आप देख सकते हैं कि जबलपुर में और पूरे मध्य प्रदेश में आज लॉ एंड ऑर्डर आपको कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। हम लोग आने वाले समय में जो 11 गारंटी दे रहे हैं आम जनता को, हम लोग जितना कुछ आगे बढ़ा सकते हैं निश्चित तौर पे बढ़ाएंगे। कांग्रेस पार्टी बहुत ताकत से चुनाव लड़ रही है और ताकत से आगे आएगी और हमारी सरकार निश्चित तौर पे बनेगी। कांग्रेस की तरफ से महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ऐसा कह रहे हैं कि गारंटी के साथ चुनाव मैदान में, वो गारंटी के साथ चुनाव मैदान में, आप कहाँ हैं? मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि अभी महापौर जी ने बोला कि अब रोटी जलने वाली है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इनकी 70 साल में रोटी जल चुकी है, अब आने वाले समय में उनको रोटी भी नसीब नहीं होगी। क्योंकि आपने देखा होगा जब से महापौर जी इधर आए हैं पूरे जबलपुर में जिस प्रकार से विकास के नाम पे धब्बा लगा है, ऐसे महापौर हमने आज तक नहीं देखा। तो आप क्या चुनावी समर में जा रहे हैं? महाकौशल से किस जनादेश की उम्मीद कर रहे हैं? महाकौशल में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतने वाली है और इतनी सीटें जीतेंगे कि कांग्रेस का एक भी विधायक महाकौशल क्षेत्र से आने वाला नहीं है। एक साल में महापौर ने कुछ नहीं किया, घोषणाओं के अलावा कुछ नहीं किया, सिर्फ महापौर ने कोई काम नहीं किया एक साल में, एक काम बताया। भैया ये जो सरद जैन है ऐसा निकम्मा साबित हुआ है कि हमारे मुस्लिम क्षेत्र के अंदर एक भी कार्य नहीं किया। मानी तनखा जी, मानी सभी लोगों ने जो कार्य किया है, और आज जो अस्पताल चल रही है, ये अस्पताल का मंत्री रहते हुए अस्पताल के नाम भी देखा, ऐसा निष्कर्ष आप भी कभी नहीं बताती। आम आदमी पार्टी कहाँ खड़ी है बताइए। पहले तो कांग्रेस और भाजपा के जो ये नेता जो, इनसे मेरा एक सवाल है, ये सवाल है कि जबलपुर को जो ओल्ड एज बोलते हैं, है ना, ओल्ड एज का ये जो जबलपुर है ये पिछड़ता जा रहा है, विखंडन पे विखंडन जबलपुर का होता है, लेकिन कोई कांग्रेस या भाजपा का नेता खड़ा होकर के कभी नहीं कहता कि MPSU के विखंडन हो रहा क्यों हो रहा है, टेलीकॉम फैक्ट्री का विखंडन जबलपुर से हो गया क्यों हुआ, जबलपुर किसानों का क्षेत्र है आज पिछड़ गया क्यों पिछड़ गया, आज किसानों को न्याय नहीं मिलता, किसान दर दर भटकता है। युवाओं की बात अगर करते हैं तो ये जो जबलपुर है, जबलपुर के पूर्व महापौर भीड़ में खड़े होकर के बोलती हैं कि जबलपुर का दुर्भाग्य कि यहाँ रोजगार नहीं है, तो जबलपुर का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और आम आदमी पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे चुनाव लड़ेगी। बात युवाओं की होना चाहिए, बात रोजगार की होना चाहिए, ये आवाज को दबाने का काम करते हैं। आज मामा जी लाडली योजना में जो पैसा दे रहे हैं, मैं कहता हूँ ये कोरोना में आपने क्यों नहीं दिया जब लोगों को आवश्यकता थी पैसे? अगस्त को आज आप 1000 रुपए दे रहे हैं, जब कमलनाथ जी ने 1500 का ऐलान किया तब आप 1000 दे के 1200 और 1500 1700 करते हैं। 25 अगस्त को माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जबलपुर संकारधारी आए हुए थे, लेकिन मैं उनसे पूछता हूँ कौन सी अवैध कॉलोनी बैठ की है और अभी भी कोई पोल्टन खुली है
झूठी घोषणा है सम्राट जी की, झूठी घोषणा है। तो परीक्षा नहीं तो वोट नहीं, परीक्षा नहीं तो वोट नहीं। 15 लाख के पटवारी बेच गए, 50% की घोटाला सरकार। देखिए युवा बेरोजगार, जाहिर सी बात है, आत्महत्या कर रहा है। जाहिर सी बात है कि युवा, महिला, मजदूर, किसान, अलग अलग वर्ग से आने वाले लोग अपनी अपनी बातचीत को यहाँ पर रखना चाहते हैं। ठीक है, ये कुछ महिलाओं से बात करना, क्या कहना चाहते हैं? मेरी लड़की को और मुझे घसीट घसीट के मारा और अपनी पार्टी का रौब दिखाते हैं। हमारे कोई कुछ नहीं कर लेगा। सीधा रिपोर्ट दर्ज करवाई? हमारी रिपोर्ट नहीं दर्ज कर रहे थे थाने में, बिल्कुल नहीं की। हमारी FIR कुछ नहीं की। भाजपा के लोग हैं, वो मंडल अध्यक्ष है महेंद्र राजक, मेरी लड़की को लटा लटा के मारा। मेरी लड़की 2 दिन तक ICU में भरी रही, ICU मेरे पति विकलांग है और मुझ पे देखे मैंने बचा के, ये सम्मान है। ये एक महिला है और ये बता रही, ये एक महिला है, ये एक महिला है और जाहिर सी बात है बहुत परेशान है। हम उम्मीद करेंगे कि इन तक जो है कानूनी मदद जरूर पहुंचे। एक आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा सर चुनावी। देखिए बहुत परेशान है जनता, अब तो बिजली कटौती भी बहुत तेजी से चालू हो गई है। मैं सिर्फ एक बात आपको कहना चाहता हूं, मैं आम जनता से एक बात कहना चाहता हूं, मेरी बात को नोट करिएगा। जो 2003 में कांग्रेस पार्टी के साथ हुआ था वही सेम स्थितियां 2023 में भारतीय जनता पार्टी के साथ होने जा रही है और यहां पर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस इस बात को लेकर आश्वस्त है कि सत्ता परिवर्तन होगा। 2003 में जो कांग्रेस के साथ हुआ वो इस बार बीजेपी के साथ होने वाला, आप क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ विजयी होगी। इस बार कांग्रेस के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो पिछली बार हुआ था। कांग्रेस मुगालते में है। भाजपा ने आवास से लेकर सार्वजनिक शौचालय, सड़कें, बिजली, पानी, मध्य प्रदेश में किसानों को योजनाएं, महिलाओं को योजनाएं, लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना, सारी योजनाओं के माध्यम से मध्य प्रदेश का विकास करने का प्रयास पूरी पर। तो देखिए कांग्रेस ऐसा कहती है कि मध्य प्रदेश में परिवर्तन करके रहेगी, बीजेपी ऐसा कहती है कि विकास के एजेंडे पर चुनाव मैदान में है और वो फिर एक बार सरकार पर काबिज होगी। जनता जनादेश क्या सुनाएगी इसका इंतजार होगा, लेकिन हम कहें कि चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां जो है वो खासी बड़ी है और जबरदस्त चुनावी मुकाबला महाकौशल के मुख्यालय जबलपुर में होने जा रहा है। तो जबलपुर से जनकारवा में इतना ही, आप देखते रहिए IBC 24। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार।